मेरे चैनल कंटेंट हैक को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखें। वो भी क्या दिन थे जब कोरोना नाम सुन के हमको इस चीज की याद आती थी, और आज कोरोना इस हद तक बदनाम है कि समझ में नहीं आता इसे कोरोना कहे या रोना, क्योंकि आया जब से रोना ही रोना चालू है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च कर दिया, और हमारे मोदी जी ने भी कह दिया कि इस एप्लीकेशन को हमारे फोन में इंस्टॉल होना जरूरी है। और हमारे मोदी जी यही तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमको इस एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है तो हम कम से कम 40 लोगों के फोन में इस एप्लीकेशन को डलवाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो भी सामने 40 लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में बताए। और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही। लेकिन क्या यह एप्लीकेशन वाकई में सुरक्षित है? क्या यह एप्लीकेशन हमको वाकई में कोरोना होने से बचा सकता है, या फिर कहीं हमारी जानकारी का हो रहा है मिसयूज? तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है अविराज और आप देख रहे हैं कंटेंट हैक। कहते हैं कि आरोग्य सेतु एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमारे मोबाइल में ब्लूटूथ और जीपीएस के जरिए हमको कोरोना या कोरोना के मरीज, कोरोना के मरीजों वाले इलाके यानी हॉटस्पॉट से दूर रखने की जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन क्या यह एप्लीकेशन हमारा डेटा सुरक्षित रखने में कामयाब हुई? जी नहीं। हाल ही में 6 मई 2020 को एक वेरीफाइड सोर्स के माध्यम से ये पता चला है कि आरोग्य सेतु ऐप को हैक कर लिया गया है, और जिस वक्त ये ऐप हैक हुआ था उस वक्त 90 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके रखा था। और नोएडा में तो इस एप्लीकेशन को मैंडेटरी कर दिया है, मतलब या तो ये एप्लीकेशन हमको हमारे फोन में रखना पड़ेगा या फिर हमको 1000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। इट्स योर चॉइस। ये जो तू बोल रहा है ना, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। आरोग्य सेतु ऐप को हैक करने के लिए फ्रेंच हैकर जिसका नाम एलियट एंडरसन है, उस बंदे ने इस ऐप की एपीके फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया और उस बंडल फाइल को अनबंडल करके उसकी इंटरनल फाइल को एक्सेस करने का ट्राई किया और उसके कोडिंग में भी कुछ चेंजेस किए, और ये सब करने में उसको 2 घंटे से भी कम का समय लगा। और ये सब चेंजेस करने के बाद वो 90 मिलियन लोगों की सभी इंफॉर्मेशन देख सकता था जो उन्होंने ऐप डाउनलोड करके अपने फील की थी, मतलब उस पर्सन का नाम, उस पर्सन का एज, वो पर्सन कहाँ से आया है, वो पर्सन का मोबाइल नंबर, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, यहाँ तक कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तक, वो सभी डिटेल्स वो हैकर देख सकता था। और ये बात उसने पब्लिकली ट्वीट करके भी बता दी कि हाँ इसमें बग्स है और इसे हैक कर लिया गया है। हालांकि उसका मकसद सिर्फ उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी में रह गई कमी ही बताना था, लेकिन जब ये बात आरोग्य सेतु की टीम को पता चली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, और उन्होंने भी ट्वीट में ये लिखा कि हाँ भाई हैकर भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बग्स बताया, लेकिन हम तो इंडिया वाले हैं, हम अपनी गलती मानने से रहे। तो उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा कि इसे हैक करना इम्पॉसिबल है क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी सिक्योरिटी होल नहीं है। हालांकि ये उन्होंने बिल्कुल अपनी साइट सेफ रखने के लिए कुछ भी झूठ मूठ का बोल दिया, क्योंकि हैकर ने तो उसके अकाउंट पे ऑलरेडी इसका वीडियो डाल दिया था कि उसने किस तरह से उसको हैक किया था। तो उसके बाद आरोग्य सेतु की टीम ने तुरंत वो बग फिक्स कर दिया और तुरंत वो ऐप प्ले स्टोर पे डाल दिया नए अपडेट के साथ। इससे हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ भी अनपॉसिबल नहीं है। इंसान चाहे तो चांद पे भी जा सकता है, कोरोना कुत्तों को भी हो सकता है, और आरोग्य सेतु ऐप हैक भी हो सकता है। अंत में इतना ही कहूंगा कि सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए और मास्क पहनिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे लिए कुछ सुझाव होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकन है उसका भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विराज आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।